हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और मैंने ये कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस रिलेटेड जैसे भी कोई अपडेट आता है या जैसे भी कोई सूचना आती है तो मैं उसके बारे में लगातार आपको सूचित करता रहूँगा। और इसी के संदर्भ में आज एक बहुत लोगों ने हमसे पूछा भी था, और उस वक्त व्यवस्था ये थी कि जो यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ था कि वो यही कहा था कि भाई ये टाइम है इसी बीच में 25 मार्च से 26, मान लीजिए 25-26 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक का, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इतना टाइम था। बोले लॉकआउट 14 तारीख 15 तारीख को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जो है कैसे होगा सर। तो ये समस्या तो थी और बहुत जेन्यून समस्या थी। इसको लेके यूनिवर्सिटीज़ में जो बहुत सारे छात्र नेता हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे गुरुजी आंदोलन इसमें करना है। उन्होंने किया भी, और भी लोगों को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को सही भी लगाइए कि ये बात सही भी है। और अभी तो ये देखिए, अभी तो ये सिर्फ उन्होंने मोदी जी ने 21 दिन के लिए किया है, लेकिन जिस तरह की हरकतें हमको समझ में आ रही हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रही है, गली मोहल्ले में और भी जगहों पे, कुछ जगह तो लोग ठीक हैं, पूरी कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो है लोग उसको मजाक बना लिए हैं। तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं मामला और भी ये खींच ना जाए। ठीक है, उसको देखते हुए इलाहाबाद स्टे मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया है उसको टाल दिया है, और उन्होंने कहा कि टिल फर्दर नोटिस, मतलब अग्रिम आदेश तक, मतलब अब जो है फॉर्म हम नहीं भरे जाएंगे, और जब वो नया आएगा तो उसके बारे में नई सूचना प्रदान की जाएगी। मैं भी अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को इससे रिलेटेड सूचित करूँगा। ठीक है, और फिलहाल कुछ परेशानी की बात नहीं है, और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जब भी होगा तो तड़ातड़ हो जाएगा। अब तो देखिए, जब भी कोई भी चीज़, अब जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो वैसे ही फटाफट सारी चीज़ें होनी है, और बहुत प्रेस में होनी है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में चलेगा, बहुत प्रेशर सबके ऊपर रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जो है इसमें इन्होंने यही अभी डिसीजन दिया है कि साहब ऐसा है कि अभी टाल दिया। अच्छा, ये बात है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अब फिर ना भरें, लेकिन जो आगे आने वाले लोग हैं वो अपना आप आगे भरेंगे, और अभी डेट फिर नहीं आएगी। अब जब नहीं आएगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की जो सूचना है मेरे पास यही है, और अभी जो डेटा था कि 26 मार्च शाम तक 2963 लोगों ने भर लिया था फॉर्म, रजिस्ट्रेशन करा लिया था, और 383 ने पूरी प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया था। तो अब वो जो है तो भाई उनका कंसीडर ही होगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी रोक दिया गया है, और जैसे ही सूचित किया जाता है वैसे ही आपको भी सूचित किया जाएगा। आप लोग अपना फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रखिए, बाकी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, घर पर रहिए, ठीक है, और बाहर मत निकलिए। ओके, धन्यवाद।